ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग उठी है। कांग्रेस ने अभद्र टिप्पणी मामले में थाने में तहरीर दी है। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर दिया था बयान। कांग्रेस प्रवक्ता ने किपचा थाने में हेमंता के खिलाफ तहरीर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और उत्तराखंड में चुनाव भले ही खत्म हो चुके हों, लेकिन सियासी सरगर्मी अभी भी जारी है। 11 फरवरी को किच्छा में भाजपा के पक्ष में जनसभा करने वाले असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की मुश्किलें अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल असम सीएम ने सर्जिकल स्ट्राइक पर जवाब दिया था। उन्होंने मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस पर हमला किया और इस दौरान हेमंत बिस्वा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए अभद्र टिप्पणी कर दी, जिसको लेकर अब कांग्रेस प्रवक्ता ने किच्छा थाने में उनके खिलाफ तहरीर देते हुए केस दर्ज करने की मांग की है और पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। असम के मुख्यमंत्री जी ने यही ग्राउंड आप देख रहे हैं, यहीं आके भाजपा प्रत्याशी के प्रचार में ये बात कही राहुल गांधी के लिए, आप कौन सा पिता के बेटे हैं, हमने प्रूफ मांगा क्या? तो मैं इस परिपेक्ष में SSP उधम सिंह नगर और कोतवाल किच्छा में जाकर मैंने कहा FIR दर्ज करें और FIR दर्ज करने मैंने रिसीविंग ले ली है। मुझे यकीन है FIR दर्ज होगी उनके खिलाफ जो मुकदमा बनता है। हम ये चाहते हैं ऐसा कोई भी लोकतंत्र में इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी जो करता है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा की बात कर लेते हैं। भाजपा में भीतरघात के बाद अब एक वायरल ट्वीट ने बवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल मदन कौशिक के नाम से सोशल मीडिया पर एक ट्वीट वायरल हो रहा है, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को भाजपा के पिछड़ने का कारण बताया गया। हालांकि मदन कौशिक ने ट्वीट को फर्जी बता दिया है और STF ने फर्जी ट्वीट की जांच शुरू कर दी है। और चुनाव के दौरान भीतरघात के आरोपों से घिरे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक अब एक बार बखेड़े में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके नाम से सोशल मीडिया पर एक ट्वीट वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें प्रदेश में भाजपा के पिछड़ने का जिम्मेदार बताया जा रहा है। हालांकि इस ट्वीट को फर्जी बताया जा रहा है और मामले पर केस भी दर्ज करवा दी गई है। जांच STF को सौंप दी गई है। STF ने देहरादून साइबर थाने में केस दर्ज किया है और पूरे मामले की अब पड़ताल हो रही है। और ये देखिए ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं, जो कि लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नॉलेज में आया था ये एक फर्जी ट्वीट किया गया है, लेकिन हालांकि जो शिकायत की गई है वो STF से की गई है। अगर कोई भी शिकायत हम पुलिस को प्राप्त होती है तो उस पर अग्रिम जांच की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी और पता किया जाएगा कि वो ट्वीट कहां से निकला है, ओरिजिनलिटी क्या है, ये सब पहलुओं पर इसमें जाँच की जाएगी। और मतदान खत्म होने के बाद भाजपा में भीतरघात की बात हर दिन सामने आ रही है। कैबिनेट मंत्री बिश्वन सिंह चौफाल ने भी पार्टी के अंदर भीतरघात की बात मानी है। एक बात ये भी रही है कि पार्टी के अंदर जो ये सवाल उठ रहे हैं भीतरघात को लेकर, और आपने तमाम चीज़ें देखी, आप तो अध्यक्ष रहे हैं, आपको पता है पार्टी संगठन का क्या कुछ कामकाज होता है, लेकिन ये भीतरघात को लेकर सवाल उठना इस समय क्या ठीक है? क्योंकि अभी मतगणना होनी है आपकी सीट पर, अगल बगल सीटों पर क्या इस तरह की स्थिति बनी? पूरे सभी पार्टियों में होता है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बहुत सारे लोग भीतरघात भी करते हैं। कुछ लोग विधानसभा में जो पदाधिकारी है उनको नहीं करना चाहिए, छोटे मोटे कार्यकर्ता हर विधानसभा में करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस में भी करते हैं, लेकिन पार्टी में जिन लोगों ने इस प्रकार के पार्टी विरोध में काम किया उन पर तत्काल से पार्टी ने अनुशासित कार्रवाई करनी चाहिए। जब तक उस पर कार्रवाई नहीं होगी, नहीं तो क्या होता है कि अक्सर आने वाले चुनाव में, चाहे पंचायत चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव में, आदमी की आदत बन जाती है कि भाई अभी विरोध करेंगे तो बाद में हमको पार्टी में ले लेते हैं। इस प्रकार की परंपरा को तोड़ना पड़ेगा। आप मानते हैं कि भीतरघात जैसी स्थिति बनी है, आपके यहाँ भी हुआ है ऐसा? वो अगल बगल में भी इस तरह की खबरें आ रही हैं, कैलाश गहतोड़ी कह रहे हैं। बड़े जो पदाधिकारी होते हैं वो तो हमारी स्थिति में कुछ नहीं किया है, छोटे मोटे जो उनके चेले होते हैं किसी के वो करते हैं। हुआ है मेरे वहाँ ऐसा कोई ना के बराबर हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है भीतरघात? छोटे मोटे जो होते हैं जिनके मन में नहीं बन पा रहे, एक दो कोई जनपद स्तर के जो कार्यकर्ता है, वो जो मंडल स्तर के कार्यकर्ता है, वो तो हर जगह होता है, हो सकता है कि हमारे पार्टी कार्यकर्ता से नहीं बननी होगी। तो
तो दीपा, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में खींचतान की बातें और भीतरघात की बातें सामने आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में सीएम फेस को लेकर खींचतान जारी है। पूर्व सीएम हरीश रावत का नया बयान सामने आ चुका है, जनता और कांग्रेस अध्यक्ष तय करेगी कि सीएम फेस कौन होगा, ये हरीश रावत ने बयान दिया। हरीश रावत कह रहे हैं कि पार्टी अलकमान के आदेश का इंतजार है। घर बैठने वाले बयान पर बोले, किसी के सवाल का मैंने जवाब दिया था, मेरी कोई मंशा ऐसी थी नहीं। उन्होंने कहा था या तो मुख्यमंत्री बन जाऊंगा या फिर घर बैठ जाऊंगा, इसी को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा जो आखिरी फैसला आना है वो हाईकमान की तरफ से आना है, वो सलाखों पर होगा, उसी का इंतजार किया जा रहा है। भाजपा दोनों ही बड़ी पार्टियां देखिए, दोनों ही लगातार सरकार में रही हैं। इस बार बीजेपी सत्ता में आने के लिए दोबारा से कोशिश कर रही है, लेकिन दोनों ही पार्टियों में खटपट की स्थिति साफ तौर से दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय तो या तो उत्तराखंड की जनता ने किया होगा या फिर कांग्रेस प्रेजेंट करेगी। हमारी पहले से ही रवायत है कि हम कांग्रेस प्रेजेंट से आग्रह करते हैं कि कौन हमारा नेतृत्व करे उसको आप तय करें, तो वही परंपरा को हम उत्तराखंड में इस बार भी निभाएंगे। उस समय एक रणनीति के तहत वो बात कही गई, पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए बात कही गई। किसी ने मुझसे पूछा कि कौन होगा, मैं कुछ चीफ मिनिस्टर के विषय में बातचीत की, तो मैंने कहा यार मेरे सामने तो दो ही विकल्प है। हाँ, उन्हें कहा क्या पार्टी आपको चीफ मिनिस्टर बनाएगी, तो मैं उसका क्या उत्तर देता, मैंने कहा मेरे पास दो ही विकल्प है, या तो चीफ मिनिस्टर या घर बैठना। और सीएम फेस को लेकर हरीश रावत अब हाईकमान के आदेश का इंतजार करने की बात कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो चुनाव खत्म होने के बाद भी हर रोज नई घोषणाएं कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। पूर्व सीएम हरीश रावत पिछले कुछ रोज से किसी न किसी बहाने सीएम पद की दावेदारी करते नजर आ रहे हैं। घसियारी योजना या फिर मुंडन संस्कार समेत हरदा के कई ऐसे बयान हैं जिसमें हरीश रावत की सीएम पद की लालसा साफ नजर आ रही है। घास लेकर के आने वाली और लकड़ी लेकर के आने वाली आज मेरी बहुत सारी बहनें हैं, मैं तुझे घसियारी सम्मान पेंशन समर्पित करता हूँ। सत्ता में आएंगे, मेरे हाथ में बागडोर रही माँ, तो घसियारी सम्मान पेंशन मैं प्रारंभ करूँ। पहले ये मुंडन कर्म करने वाले कुछ लोग होते थे, अब वो धीरे धीरे समय के प्रवाह के साथ विलुप्त हो रहे हैं। फिर भी यदि कुछ लोग ऐसे मुंडन कर्म करने वाले होंगे तो उनके लिए भी मैं चाहूंगा कि राज्य एक सम्मान पेंशन प्रारंभ करे। सीएम पद की दावेदारी के बयान पर हरीश रावत से सवाल किया गया, अब देखिए हरदा इस पर कैसे सफाई दे रहे हैं। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ के लोग यदि इस समय वहाँ 14 की 14 सीटों पर कांग्रेस जीतने की संभावना में लग रही है तो इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है। मैंने उसी सम्मान का उल्लेख किया है कि मैंने कहा भाई मेरे लिए इससे सम्मानजनक और क्या विदाई हो सकती है। हरीश रावत सीएम की कुर्सी के लिए दावेदारी कर रहे हैं, उनके समर्थन में कांग्रेस के कई नेता भी उतर आए हैं, मगर कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत इसके खिलाफ। उत्तराखंड के जनमानस ने सबने जो है कांग्रेस को जो समर्थन दे रखा है हरीश रावत जी के नाम पे दिया, तो निश्चित तौर पर सीएम चेहरा हरीश रावत जी हैं, उनसे सीनियर लीडर कौन है भाई। प्रदेश को चलाने के लिए आदमी की सूझबूझ और जो एक दूरदृष्टि जो है वो हरीश रावत जी के अलावा किसी पे नहीं है, और निश्चित तौर पर हरीश रावत जी सीएम का चेहरा है। विधानमंडल की बैठक के बाद जो कांग्रेस हाईकमान को अधिकृत किया जाता है और कांग्रेस हाईकमान का ही प्रिविलेज है कि वो नेता किसे चुनते हैं, जिसे कांग्रेस हाईकमान नेता चुनेगी वो हमारा नेता। हमारे परंपरा है कि तो हमारा विधानमंडल की बैठक होती है, चुनाव नतीजों के बाद विधानमंडल की बैठक होती है, उसमें माननीय विधायकों की राय भी ली जाती है, उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व तो निर्णय लेता है। चुनाव तो जैसे जैसे निपट गया मगर कांग्रेस के अंदर नेताओं की गुटबाजी रुकी नहीं है। कांग्रेस में अभी भी कई गुट सक्रिय है, इनमें भी दो बड़े गुट वो हैं जिनमें एक हरीश रावत को पसंद करता है तो दूसरा वो जो हरदा के खिलाफ है। अब बड़ा सवाल ये है कि अभी तो चुनाव का रिजल्ट आया भी नहीं है, जब नतीजे आएंगे तो क्या
कांग्रेस एकजुट रह पाएगी। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, देहरादून से खबर है। उत्तराखंड पुलिस कैडर के 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी संजय गुंजियाल की हुई बीएसएफ में तैनाती। जी हां, आईजी बीएसएफ बनाए गए संजय कुमार गुंजियाल, ये बड़ी खबर है। वर्तमान में उत्तराखंड के आईजी इंटेलिजेंस हैं संजय कुमार। बीएसएफ में 5 साल के लिए डेप्यूटेशन पर मिली तैनाती। हरिद्वार, देहरादून समेत कई जगह पर बतौर एसएसपी रह चुके हैं तैनात संजय गुंजियाल। के बीएसएफ में तैनाती को लेकर भारत सरकार की ओर से आदेश जारी हो गए और 5 साल के लिए बीएसएफ में तैनाती उनकी हुई है। ये बड़ी खबर संजय गुंजियाल को लेकर है। पहले भी कई अहम जिम्मेदारियां उन्होंने संभाली हैं। उनके पूरे रिकॉर्ड को आधार मानते हुए उनको नई जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई है, दी गई है। उन्नाव के भगवंत नगर में सीएम योगी ने की जनसभा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा अखिलेश घर में नहीं छूते पिता के पैर, मंच पर दिखावे के लिए छूते हैं पैर। उन्नाव में सपा प्रत्याशी अचल वर्मा के समर्थन में अखिलेश यादव ने जनसभा की। भाजपा पर साधा निशाना। कहा डबल इंजन की सरकार ने सिर्फ डबल महंगाई की, भाजपा की सरकार रही तो पेट्रोल 200 रुपए लीटर हो जाएगा। भदोही में शादी समारोह में भजन गायक अनूप जलोटा ने अखिलेश यादव पर दिया बयान। कहा अखिलेश विश्वास से भरे हुए नेता हैं। सीतापुर में आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने किया शक्ति प्रदर्शन। प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया। चंद्रशेखर ने कहा विश्वास से कामयाबी जरूर मिलेगी। तीसरे फेज के मतदान के लिए हमीरपुर प्रशासन ने पूरी की तैयारी। दिव्यांग मतदाताओं की सहूलियत के लिए व्हीलचेयर का किया इंतजाम। हर पोलिंग बूथ पर बनाए जाएंगे 2 हेल्प डेस्क। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने श्रावस्ती में किया प्रचार। डोर टू डोर जाकर भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की। लोगों से की भाजपा को वोट देने की अपील। आज सुल्तानपुर दौरे पर जाएंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को करेंगे संबोधित। सुल्तानपुर में 5वें चरण में होने हैं चुनाव। बांदा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने जनसभा को संबोधित किया। समाजवादी पार्टी पर किया तीखा हमला। कहा सपा के राज में केवल गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार होता था। पीलीभीत के डीएम पुलकित खरे ने चलाया मतदाता जागरूकता अभियान। लोगों से घर घर जाकर वोट देने की अपील की। स्कूल के बच्चों की तरफ से लिखे स्लोगन से लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया। उत्तर प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने बहराइच में संगठन पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। जिले की 7 सीटों पर जीत के लिए बनाई गई रणनीति।